नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमिश्नर ने कहा था खतरा अर्जुन को है, और तुमने 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 कहा था पहले अर्जुन का सर कटेगा फिर केक। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अगर तू देख सकता है तो देख मेरे कब्जे में कौन है। हथियार फेंक और जल्दी बाहर निकल, वरना इस लड़की की जान गई समझो। जल्दी बाहर निकलो अर्जुन सिंह। डॉक्टर,
लेकिन ये तो मैं जानता हूं ये पुलिस केस है। ऑपरेट, आई सेड ऑपरेट। नर्स, डोंट वरी, बैठिए, जस्ट रिलैक्स। देखो घबराओ मत, मैंने उसकी गोलियां निकाल दी हैं, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो मरीज। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? तुम्हें जीना होगा काजल, काजल तुम्हें जीना होगा। तुमने तो साथ निभाने का वादा किया था, इस तरह इस मोड़ पर छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है काजल, तुम्हारी भी है। इसकी जीत की खुशियां मनानी हम दोनों को। आखिर मैं क्या करूंगा काजल? काजल तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। हे काजल, इसे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। ये मेरा इंतजार करेगी, ये नहीं जाएगी। मैं वापस आऊंगा काजल, मैं जीत कर वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करना काजल, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अरे कमिश्नर साहब आइए ना। नहीं मंत्री जी, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। हाँ, वो अगर अर्जुन ने आप पर हमला किया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। अरे कमिश्नर साहब, आपके पीछे तो पूरी पुलिस फोर्स है। मैं अपनी फोर्स को अच्छी तरह जानता हूं मंत्री जी। हाँ? मुझे भी अपने दो कमांडोज दे दीजिए। हाँ हाँ, जाइए ले लीजिए।
अरे ड्राइवर गाड़ी चला जल्दी जल्दी ले चले ऐसे। अरे ये कहाँ जा रहे हो मुझे कौन हो तुम? या हाँ हाँ अरे बयान बयान हमारी इस साजिश में जेलर लंकेश्वर भी हमारे साथ था। कि उसने दिन दहाड़े पुलिस कमिश्नर को खत्म किया है, यह भी सुन चुका हूं कि सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर उसने दीनदयाल को खत्म किया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझ पर वार करने की हिम्मत करे। लंकेश्वर हूं मैं, लंकेश्वर। अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो सिर्फ प्रेस और पुलिस वाले, बस। एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन सर, जाओ यहां से, गेट लॉस्ट एवरीबॉडी। अर्जुन सिंह मिल जाएगा, मैं लाऊंगा उसे, क्योंकि उसका एक खास आदमी मेरे पास है। अभी तक तो कुछ पक्का नहीं, पर जल्दी पक देगा। ठीक है, जल्दी पता करो। बताता हूँ। बोल। पीछे देख। हाँ, अजगर को फोन दो। अजगर इस लायक नहीं है कि तुझसे बात कर सके। जाओ इसे,
वो खा रहा है। लात और घूसे खा रहा है। जेलर की वर्दी पहनकर मैंने सिर्फ गुनाह किए हैं। अपने गुनाहों का सबूत मैं अदालत को पेश कर चुका हूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूं। अब अदालत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है। एक मिनट सर, 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 क्या एक मिनट। क्या गजब किया आपने, अपने जुर्म कबूल करने की क्या जरूरत थी? मैंने तमाम झूठे गवाह सबूत आपके लिए तैयार कर लिए थे, फिर ये जेल जाने की जरूरत क्या थी? उस सरफिरे अर्जुन सिंह से बचने का यही एक तरीका था। सेंट्रल जेल जेल नहीं, मेरा गढ़ है गढ़। वहां बैठकर मैं उसके मौत का जाल बिछाऊंगा। उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो सेंट्रल जेल में आए। चलो इंस्पेक्टर। अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है लंकेश्वर। तुमने ऐसा क्यों किया ये मैं जानता हूं, और मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम जानते हो। यकीन नहीं आता लंकेश्वर कि तुम इतने आसानी से मिल जाओगे। ये चाल चलकर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की। कौन बेवकूफ है इसका पता तो सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद पता चलेगा तुझे। जेल तक पहुंचना चाहते हो तो सिर्फ सांस लो। जरा सी भी आवाज की सांस बंद कर दूंगा। सपने देखना कानूनन गुनाह नहीं है। देखो, खूब देखो। कैसा है माधव सिंह? ठीक हूं सर। मौत के डर से तू यहां से भागा था ना, तो फिर मौत के मुंह में आ गया है। रामकौर
ले जाओ इन दोनों को। चल। क्यों जेलर, अपने ही जेल में नींद नहीं आ रही? देखो लंकेश्वर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। खामोश, जुबान बंद रखो जेलर, वरना अर्जुन सिंह तो फांसी के तख्ते पर चढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ तुझे भी चढ़ा दूंगा। सर, बोट रेडी है, शाम होने से पहले हम सरहद पार कर चुके होंगे। ये माधव सिंह अर्जुन को लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? माधव सिंह, इतनी जल्दी भूल गए जेलर? रिवॉल्वर दाई नहीं बाई तरफ रखी जाती है। Yeah!
Bye.